दूसरा और सबसे पहले एक्सप्रेस स्पेशल में खबर अकलतरा से। विकासखंड के ग्राम कल्याणपुर में मिडिल स्कूल में मध्याह्न भोजन के नाम पर छात्रों को ऐसा खाना वितरित किया जा रहा है जिसे इंसान तो क्या पशु भी ना खा पाएं। ये गंभीर आरोप किसी और ने नहीं बल्कि कल्याणपुर के ग्रामीणों ने खुद लगाए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक बच्चों को मध्याह्न भोजन के नाम पर घटिया भोजन वितरित किया जा रहा है। बच्चों का कहना है कि उन्हें कीड़े युक्त दाल दी जा रही है और उसे पूरे मामले में उप सरपंच राकेश शर्मा पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं उप सरपंच ने कहा है कि सरपंच द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण कार्य करते हुए छवि खराब करने के लिए उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। दाल खराब था, बाकी सब अच्छा है। क्या है दाल में? दाल में खराब है, कड़ा है और गंदा गंदा भी है, खाने के लायक नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधित को निर्देशित कर दिया गया है कि गुणवत्ता युक्त दाल एवं चावल बच्चों को प्रदाय किया गया। दाल खराब था, बाकी सब अच्छा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारा संवाददाता शैलेंद्र श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बच्चों को माध्यमिक भोजन में जो खाना दिया जा रहा है कीड़े युक्त दाल दी जा रही है, ऐसे आरोप ग्रामीणों द्वारा तो लगा दिए गए हैं, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर किस तरीके का रवैया अपनाते नजर आ रहे हैं? आपको बताना चाहूंगा, पूरा मामला अकलतरा विकास खंड के ग्राम कल्याणपुर का है, जहाँ पर हमें शिकायत मिली थी परिजनों के माध्यम से कि वो जो प्रदान होने स्कूलों में प्रदान होने वाला जो मध्याह्न भोजन है वह गुणवत्ताहीन है। और ये कोई पहला मामला नहीं, पहले भी लगातार मामले आते रहे हैं उस गांव से ही। और इस बार का मामला था कि कीड़े युक्त दाल उनको दिए जा रहे हैं, दाल जो है उसमें कीड़े स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। जी, कितने समय से बच्चों को खराब किस्म का खाना दिया जा रहा है शैलेंद्र? जी, ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी लगातार आते रहे हैं। आपके पास वापस आऊंगी। लता लहरे जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं, सरपंच है वो वहाँ की। बहुत स्वागत आपका लता जी। जी लता जी, आपके संज्ञान में बात होगी, स्व सहायता समूह को मध्याह्न भोजन वितरण का काम दिया गया, लेकिन ग्रामीणों द्वारा और खुद बच्चों द्वारा ये कहना है कि कीड़े युक्त दाल दी जा रही है उन्हें, इस बात पर क्या संज्ञान लिया गया अभी तक? निरीक्षण करने के लिए अभी तक कोई पहुंचा? क्योंकि शिकायतें तो बराबर आ रही हैं। लता जी, जी लता जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, फिर से बताइए ना मैडम। मैं आपसे यही सवाल कह रही हूँ कि स्व सहायता समूह को जिम्मेदारी दी गई है बच्चों को मध्याह्न भोजन देने की, ऐसे में दाल में कीड़े हैं ये खुद बच्चों ने कहा है, तो ऐसी शिकायतें मिल जाने के बाद क्या किसी ने संज्ञान लेने की कोशिश की? आप तो खुद सरपंच है, कि आपने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया? नहीं मैडम, मुझे तो मेरे को तो कुछ भी बताया नहीं है, मेरी जानकारी में है नहीं है। वो अपने मनमानी से काम किया है, मुझे एक बार भी कॉल करके नहीं बताया ना, खुद मैं जानती भी नहीं। तो ये काम किसका है देखने का? एक अपने विधायक साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी एक प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करते हैं। सौरभ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे, बहुत स्वागत आपका सौरभ सिंह जी। मैडम, सौरभ सिंह जी, आपके संज्ञान में बात लाना चाहूंगी कि मध्याह्न भोजन में कीड़े युक्त दाल दी जा रही है, खुद बच्चों ने इस बात की शिकायत की है, क्या आपके संज्ञान में पहले से ये बात थी या नहीं? नहीं नहीं, यह संज्ञान में मेरे पास से मामला संज्ञान में आया है, इसकी उच्च स्तरीय शिकायत की गई है, विधानसभा में भी यह मामला उठाया जाएगा करके। ऐसी शिकायत एक गांव में कीड़ा युक्त चने की भी आई है करके। तो ये बात आपके संज्ञान में कब आई है? ये बात मेरे संज्ञान में 2 दिन पहले आई है मैडम करके, जब ये मामला का बच्चों के अभिभावक ने मेरे को बताया तब। ये जानकर बहुत खुशी हुई सौरभ जी कि आपके संज्ञान में ये बात आ चुकी है। जाहिर है कि अब उम्मीद इस बात को लेकर के ही है कि कब बच्चों को अच्छा खाना मुहैया कराया जाएगा और जो दोषी हैं इसमें उन पर क्या कार्रवाई होगी, आपसे जानना चाहेंगे सौरभ जी। जी बिल्कुल, दोषी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए करके ये बात तहकीकात करने की। अगर मध्याह्न भोजन के जो समूह का संचालन करते हैं उन्होंने अगर दाल गलत दी या जिस दुकान से दाल गलत की गई करके, और कौन सा टीचर था जिसने इसका गलत सत्यापन किया, क्योंकि जो मध्याह्न भोजन का संचालन होता है वो शिक्षक की निगरानी में खाना बनता है करके,
तो हम उस शिक्षक के ऊपर कार्यवाही की भी बात कर रहे हैं कि उस शिक्षक के ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिए जिसकी निगरानी में खाना बना था करके। अभी तक क्या कुछ नाम सामने आ पाए हैं कि कौन कौन ऐसी लापरवाही के पीछे जिम्मेदार है? अभी तक शासन को संज्ञान शासन को शिकायत करने के बाद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है मैडम। कितना समय लगेगा सौरभ जी? मैडम ये तो समय ये तो सरकार में जो प्रशासन में लोग बैठे हैं वो बता पाएंगे कि कितना समय लगेगा। लेकिन आप विधायक हैं ना, अगर आप बतौर विधायक रहते हुए नीचे प्रशासन के जो उन नुमाइंदों को जो लापरवाही बरत रहे हैं उन पर फटकार लगाएंगे या जांच करेंगे या कार्रवाई करवाएंगे तो क्यों जल्द से जल्द इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा? देखिए मैडम, अगर वो कार्रवाई करते हैं तो अच्छा है, नहीं करते हैं तो विधानसभा का सत्र 25 तारीख से चालू हो रहा है, विधानसभा के सत्र में ये मामला उठेगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो हालात है वो बदलेंगे। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया सौरभ जी, और सरपंच भी हमारे साथ जुड़ी थी उनका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। स्वराज सवता हमारे साथ जुड़े थे, शैलिन उनका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।